नगर निगम 24 की महिला प्रत्याशी मीना देवी के पुत्र अमित ने कीटनाशक का किया छिड़काव। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्णवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। निगम के वार्ड नंबर 24 के महिला प्रत्याशी मीना देवी के पुत्र अमित कुमार उर्फ पिंटू ने अपने वार्ड में डेंगू के प्रकोप को खत्म करने का प्रयास करते हुए कीटनाशक का छिड़काव किया। साथ ही छठ पर्व के मद्देनजर सागर पोखरा घाट की सफाई में भी अपने श्रम का योगदान दिया। गौरतलब हो कि बिहार में डेंगू का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ा है, जिसको लेकर व्यापक रूप से साफ सफाई और मच्छर को भगाने के लिए प्रयास जिला प्रशासन ने करने का निर्देश जारी किया है, जिसको लेकर पार्षद प्रत्याशी पुत्र अमित कुमार उर्फ पिंटू ने स्वयं अपने वार्ड के लोगों के सुरक्षित स्वास्थ्य लाभ के लिए कीटनाशक का छिड़काव अपने निजी कोष से कराया, ताकि लोक आस्था के महापर्व में वार्ड छठ व्रतियों को डेंगू जैसे महामारी से बचाया जा सके। प्रत्याशी पुत्र अमित कुमार निगम के अधिकारियों को डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग कराने के लिए पूर्व में आवेदन भी देते रहे हैं। वार्ड 24 के छठ व्रती परिवार सागर पोखरा घाट पर अपना अर्घ देते हैं, जिसके कारण प्रत्याशी पुत्र ने सागर पोखरा घाट की सफाई में भी अपना श्रम योगदान दिया। हालांकि निगम के द्वारा भी छठ घाटों की सफाई कराई जा रही है। कोई कार्य करे या ना करे, मैं वार्ड प्रतिनिधि का परिचय और भावना के साथ निर्माण करने का बखूबी प्रयास अमित कुमार उपेंद्र के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा भी कई स्थानीय जनता के द्वारा की जा रही है। न्यूज 9 टाइम्स। देखते हुए यहाँ के स्थानीय नागरिकों के सहयोग से छठ घाट का सफाई और निर्माण कराया जा रहा है, कि छठ व्रतियों को छठ पूजा करने में किसी तरह का बाधा नहीं हो, असुविधा नहीं हो, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का भी सहयोग इसमें रहेगा, जिसमें सागर संघ के अध्यक्ष के बा मनोज पटेल हैं, इनके साथ खुल के सहयोग में आइए कि इनका मनोबल बढ़ते रहे। हर साल की भांति इस साल भी अपने छठ त्यौहार को देखते हुए पूरे घाट का सफाई सुथरा हो रहा है और डेकोरेशन हो रहा है। धन्यवाद।